हेलो स्टूडेंट्स, जो से पिछले लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, एक्सरसाइज 5.2 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमारे पास क्या पूछा गया है कि इज -150 इज ए टर्म ऑफ एपी और नॉट। कि -150 गिवन एपी के अंदर, एपी क्या है 11852 सो ऑन। तो ये एपी की जो सीरीज हमारे पास गिवन है इसके अंदर क्या कोई टर्म -150 हो सकती है या होगी, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। इसको हम मान के चलते हैं कि ये है इस एपी की टर्म, जिसका मतलब ये ए एन जो एनएथ टर्म जो हमें निकालनी है इसको हम लास्ट टर्म लेके चले कि कभी ये टर्म लास्ट में आएगी। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म 11, डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी है 8 माइनस 11 हो जाएगा -3। तो D की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है -3। तो D की वैल्यू है, A की वैल्यू है, A n की वैल्यू है। तो n की वैल्यू निकाल के देखेंगे, आपको लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के दौरान भी बताया था कि n कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता, वो कंप्लीट होल नंबर ही होता है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद अगर n की वैल्यू कंप्लीट आती है तो ये पॉसिबल है कि ये नंबर किसी ना किसी टर्म पे इसके बीच में लाइफ करेगा। और अगर n फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है an जो हमने माना है वो नहीं होगा और ये टर्म एपी के अंदर लाइफ नहीं करेगी। n निकालना है, d की वैल्यू -3, जो ये 11 है वो लेफ्ट साइड में आने के बाद माइनस में हो जाएगा, -161 n -1 -3। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में क्या डिफरेंस है, ऑफलाइन क्लास में हम बार बार एक ही चीज को कई बार रिपीट करके बता सकते हैं कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया, लास्ट बच्चे के अलग से हिसाब से एक्सप्रेशन देख के बच्चों के कि कौन सी चीज दोबारा रिपीट करें कौन सी नहीं करें, तो वो अप डाउन क्लास में पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें आपकी जिम्मेवारी डबल बढ़ जाती है। अगर आपको कोई चीज दोबारा सुननी है तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं पीछे से, लेकिन अगर मैं ही वीडियो के अंदर दौरान हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को रिपीट करूंगा तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा, डाटा प्रोग्राम होंगे अपलोड करते टाइम भी तो आपको देखते टाइम। तो इसलिए तो आपको बताया जा रहा है बिल्कुल ध्यान से लीड वगैरह लगा के अच्छे से सुने, कोई चीज रिपीट करने लायक लगती है तो आप उसको दोबारा से स्टार्ट करें, लेकिन वीडियो को कंप्लीट सुने और अच्छे से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे समझने के लिए आपको भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू क्लास, वहां आपके अकॉर्डिंग रिपीट हो सकता है लेकिन यहां ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो सो n -1 -3 से डिवाइड करने के बाद अगर हम इसके अंदर देखेंगे जो 5 ज्यादा चलेगा 51, तो यहां पर आप देखोगे कि डेसिमल के अंदर आ गया है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, 53.6 समथिंग है, डेसिमल में आ गया है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी इसके अंदर 54.9, में कभी पॉसिबल नहीं है। सो -150 इज नॉट एन टर्म ऑफ एपी, तो इस एपी की वो टर्म नहीं है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। तब तक क्वेश्चन नंबर 7th में फाइंड द 31st टर्म, 31वीं टर्म निकालनी है, n दे रखा है 31 और उस एपी की 11th टर्म और 16th टर्म हमारे पास गिवन है। तो थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट है, मैंने आपको उसके दौरान भी बताया था कि इसी टाइप के कई क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे, तो ये भी बिल्कुल थर्ड के 5th पार्ट जैसा ही होगा। 7th क्वेश्चन में निकालना क्या है 31st टर्म, यानी कि A31 हमें निकालना है। गिवन क्या है 11th टर्म 38, 16th टर्म 73। अब जो 11th टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं 8 + 10d 38, इसको हम क्या लिख सकते हैं a + 15d। दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं, कोफिशिएंट सेम है तो ए से ए यहां पे कैंसिल हो जाएगा, -15 + 10 -5d 73 -38 करेंगे 35 -35
डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बच्चे इसके अंदर माइनस फाइव से डिवाइड करने के बाद सेवन। तो सर डी की वैल्यू सेवन है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू 15 इंटू सेवन 73, ए प्लस में 15 सेवन द 105 73 माइनस, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो माइनस 32 क्या हो जाएगी हमारे पास इसमें फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकाल चुके हैं, डी निकाल चुके हैं, 31st टर्म निकालनी है। तो लास्ट में ए और डी की जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट करेंगे, माइनस 32 प्लस में 30 इंटू सेवन 210 210 में से माइनस कर लेंगे तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगी जो हमें निकालनी है। बहुत आसान है, इसके अंदर दोबारा से अगर साथ के साथ रिपीट करें एक बार जल्दी जल्दी, तो 11th टर्म दे रखी थी, 16th टर्म दे रखी थी, 11th टर्म को a प्लस 10d, 16th को a प्लस 15d, दोनों को सिंप्लीफाई किया, a और d की वैल्यू आ गई, लास्ट में हमने a 31 के अंदर वैल्यू पुट कर दी। 9th जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, किसी एपी के अंदर 50 टर्म है, एन हमारे पास दे रखा है 50, और दूसरा उसके बाद क्या होता है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, अगर आपको दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर तो बुक में देख सकते हो या आपके पास बुक होगी भी साथ में जरूर खोल के बैठे, थर्ड टर्म हमारे पास दे रखी है 12, लास्ट टर्म ए एन हमारे पास गिवन है 106, A29 हमें निकालना है। अब ए एन दे रखी है इसके अंदर, ए एन के अंदर जो हमारे पास लास्ट टर्म है, ए एन क्या होता है लास्ट टर्म, nth टर्म, एन हमारे पास 50 है, कुल मिला के हमारे पास ए 50 गिवन है 106, ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106, ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। जो ए 3 गिवन है 12, इसको लिख सकते हैं a प्लस में 2d 12, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आपस में माइनस कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 47d, और उसके बाद इसके अंदर माइनस करेंगे हम 106 में से तो कितना हो जाएगा माइनस 94, और d की वैल्यू आ जाएगी कैंसिल करने के बाद 2, तो डी हमारे पास यहां पे आ गया 2, ये डी की वैल्यू हम ए 3 वाले में पुट करते हैं, यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई जिसके अंदर ए की वैल्यू आ गई ए, ए की और डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू 29 ही होगी वहां पे, सो ए 29 इज इक्वल टू ए प्लस में 28d, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 28 का डबल और ऐड करेंगे तो 64 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9th क्वेश्चन, थर्ड एंड 9th टर्म दे रखी है, विच टर्म ऑफ 0, थर्ड टर्म और 9th टर्म हमारे पास गिवन है, विच टर्म एन निकालना है, निकालना क्या है एन, लास्ट टर्म 0 कब होगी, कौन सी टर्म है कौन से नंबर पे कि जो हमारे पास टर्म होगी वो 0 आ जाएगी। जो गिवन है उसको देखिए, अगर 9th क्वेश्चन के अंदर थर्ड टर्म हमारे पास क्या दे रखी है 4, इसके अलावा 9th टर्म दे रखी है माइनस ए, ए एन 0 दे रखा है, एन हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ए 3 को लिख सकते हैं ए प्लस में 2d, इसको लिख सकते हैं ए प्लस में 8d, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, फिर से सेम पैटर्न एलिमिनेशन मेथड,
और प्लस होने के बाद 12 और डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी इसके अंदर माइनस 2। ये जो डी की वैल्यू है उसको यहां पे पुट करते हैं ए की वैल्यू निकालने के लिए, ए प्लस में ए माइनस 16 राइट साइड में जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस 8। ए की और डी की वैल्यू निकाल चुके हैं, ए एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सो ए एन इज इक्वल टू 0, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 8, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू माइनस 2। जो ये 8 है वो लेफ्ट साइड में जाने के बाद राइट साइड में जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा और माइनस 2 डिवाइड में जाएगा, माइनस 8 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 4। तो यहां पे n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और n हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ टर्म इस एप की है तो वो कैसी होगी, इसके अंदर वो 0 होगी। जो आज के जो क्वेश्चन किए हैं ऑलमोस्ट सेम टाइप है, दो इक्वेशन हर क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन बनती हैं, उसको क्या करना है ए और डी की वैल्यू निकालते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में हम उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। 10th क्वेश्चन हमें पास 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है तो कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो 17th टर्म क्या होगी, a प्लस में 16d, 10th होगी a प्लस में 9d प्लस में 7। 7 के अलावा दोनों वैल्यूज को राइट सॉरी लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, राइट से साइन चेंज होंगे, a से a कैंसिल, 7d इज इक्वल टू 7 और d की वैल्यू आ जाएगी 7/7 1। दोबारा से मैं एक बार बताता हूं, इसमें 17th वैल्यू 10th वैल्यू से 7 ज्यादा है, ए 17 ए 10 से 7 ज्यादा है, दोनों की वैल्यू पुट करी सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट साइड में लेके आए और वहां से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई इसके अंदर 1।